खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां प्रतिदिन हो रही घटनाओं पर बलिया पुलिस नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है, जिसका नजारा बलिया जनपद के नगरा सहित रसा थाना क्षेत्र में बीती रात देखने को मिला। बलिया जिले में एक हफ्ते के अंदर 3 हत्याएं हो चुकी हैं, जहां छठ पर्व के दिन अपने घर से सुबह टहलने निकले 45 वर्षीय हीरामन यादव की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस समय रहते कार्यवाही की होती तो हत्या नहीं हुई होती। पहले से गांव के एक परिवार से थोड़ा विवाद चल रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस को जाम छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सरया बागडोरा के रहने वाले हीरामन यादव के यहाँ पहले से विवाद चल रहा था। उनकी दुश्मनी गाँव के ही रमाकांत के परिवार से थी। रमाकांत के परिजनों ने गोली मारकर हत्या की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसको पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो एफआईआर इन लोगों की तरफ से देखिए दो चीजें हैं, अब थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से लैंग्वेज और जो हाँ जो मैंने जिसको लोग जानते हैं पूरी तरह से और उसमें कोताही ना हो, उसमें ना हो और उसमें कोई फीस नहीं होगी। हाँ, हाँ। आप जैसे लिखाना चाहें दिखावा था नहीं, लिखा करके लोग ताकि और घर पे तो इनका इतना हिम्मत है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं कमार जही मारी उन्हीं कमार देव तो हम आके इनका से कहा नहीं कि 4 बजे भोर में अपना क्या नाम है आपका? नाम है बबलू कुमार यादव, ग्राम पोस्ट सरिया बागडोरा। हाँ बबलू, क्या मामला हुआ है? अभी किस तरह की जाम लगी हुई है? क्या साढ़े 4 बजे 5 बजे टहलने आए थे हम दोनों साथ में और हम लाइटिंग करने चले गए, तब तक इनको मार दिए। किनको मारा गया? हीरामन यादव को। हीरामन यादव कौन है? हमारे चाचा हैं। चाचा, आपके चाचा हैं जी। ये किनसे विवाद, किसी से विवाद थी पहले? विवाद एकदम हल्का था विवाद, रामाकांत यादव पुत्र जद्दू यादव, श्रीकांत यादव पुत्र जद्दू यादव, गुड्डू यादव धर्मेंद्र यादव पुत्र रामाकांत यादव, नगेंद्र यादव पुत्र श्रीकांत, नरेंद्र पुत्र श्रीकांत। क्यों विवाद था? किस राकेश पुत्र रामाकांत और एक चुरा रामपुर का है जितेंद्र जी। कैसा विवाद था, किस तरह का विवाद था इनसे? वो विवाद पहले से थोड़ा मोटा कुछ विवाद था जमीन को लेकर। हाँ जमीने के लेकर के, वो जैसे जमीन के लेकर के नहीं था वो, जैसे ऐसा ही कुल मतलब अपने में, और ज्यादा दिन से कहते थे लोग मारने के लिए जान से इनको। अच्छा अच्छा। हाँ थाने में हम दिए थे 2 बार अपने जाल माल के खतरा के लिए जी। तो ये कोई सुरक्षा नहीं मिली। ये कहाँ गए थे उस समय? और टहलने के लिए गए थे तो हम, वो हमारे चाचा और हम दोनों साथ में टहलते हैं, हम लाइटिंग करने चले गए और तब तक मार दिए उनको, अगर हम आए दौड़ करके तब तक निकल गए। तो कैसे मारे, किस कैसे मारे वो लोग? वो पिस्टल से मारे, पिस्टल से मारे थे जी। क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं, किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई अभी। तो ये इतने दिनों से आप लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, क्या प्रशासन कर रही थी अभी तक? आप ही देखिए प्रशासन क्या कर रही थी। कितने घंटे से आप लोग जाम लगाए थे? 4:45 बजे से लगाए थे। प्रशासन कितने बजे पहुंची? प्रशासन 6:30 बजे पहुंची। घटना के इतने घंटे क्यों लेट पहुंची पुलिस? इसकी प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी, मानते हैं लापरवाही प्रशासन की? बिल्कुल है प्रशासन की। क्या पुलिस अधीक्षक ने अभी क्या कहा? अब कह रहे हैं कि सब तक हम आपको सुरक्षा करेंगे, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसी की